नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं और इस न्यूज में यह देख करके चीजों को स्पष्ट समझते हैं। एक्शन से स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इस पे बिलीव करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज क्यों दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष उनको देखते ही नतमस्तक हो जाते हैं, उनको चरण स्पर्श कहते हैं। और कई राष्ट्राध्यक्ष तो यह भी कहते नजर आते हैं कि यू आर द लीडर। क्या कारण है, आइए इस चीज को हम देखते हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि कहना चाहता क्या हूं मैं और यह विश्व कहना क्या चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंकित बैनपुरिया क्या कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? जब ये महान हस्तियां ये कर सकते हैं तो क्या हम अपने इर्द गिर्द को अपने जीवन में अनुसरण करके क्या इस संदेश को समाज में नहीं फैला सकते हैं? स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए। स्वच्छता ही स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर मिलेंगे हम आपके साथ ऐसे किसी अपडेट्स के साथ। आप सबका दिन शुभ। राम राम सारायण है क्या अंकित? आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है, वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है, लोगों का स्वच्छता के में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ, अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? सर, दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। दो चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। माँ देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। आपने ये जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, ये परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफ़ी नौजवान भी जो हैं और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, वे भी अब तो आप वाली चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है, इतना इफेक्टिव बना है। अब आपसे मिलने का सपना था वो पूरा हो गया, देख ले कर। G20 वाला सम्मेलन देखा, हाँ, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हो गया इस चीज़ पे कि भाई आपने देखा होगा। हाँ जी, ये जो भारत मंडपम बना है जी, उसमें भी एक पूरा दीवार जी हमने योगा का बनाया है, और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फ़ायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, अगर मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, हाँ, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर हूँ स्पोर्ट्स से,
पर मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फोन करया करते प्लेयर के पास, और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई खेलो इंडिया, तो उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करने आ रहे हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर होता जब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद भागवत गीता पढ़ी थी, इब शिव पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। नहीं, अच्छा है, इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप बहुत आगे बढ़िए